हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ जल्दी से। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, बच गया अगर मैं तो जला क्या है। मेहनत से ही मिलता है सब कुछ, यहाँ इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। जी बिल्कुल, इन्हीं बातों के साथ आपकी एक नई क्लास DLED का सेकंड सेमेस्टर। इस समय आप लोग देख रहे हैं रिवीजन क्लास, यानी कि जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है उन पर सवाल कैसे लगाए जाते हैं। अगर आप लोग इन सवालों को कंठस्थ करते हैं, अच्छी तरह से लगाते हैं, समझते हैं, पिछली बार आपने देखा था सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों में से कईयों ने पूरा पूरा 25 नंबर लाया था, यानी कि पूर्णांक पाए थे आप लोगों ने, है ना। तो 53,000 से अधिक स्टूडेंट UP में सिर्फ फेल हुए थे DLED में, लेकिन फिर भी PVR स्टडी वालों ने पूरा पूरा पूर्णांक ला करके दिखाया था। तो आप लोग भी ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हम कोई ना तो यहाँ मंत्र बताते हैं ना कोई दवाई पिलाते हैं, ठीक ना, कि आपका आ जाएगा। बस करना क्या है, आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं इतना ज़्यादा अभ्यास करना है कि एक भी सवाल आपका परीक्षा में गलत ना हो। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी नंबर काट नहीं सकता अगर आपने सही सही कर दिया तो, ठीक ना। तो बोर्ड मार्क्स के रूल में हम लोग काफ़ी सवाल पढ़ चुके थे, 13वां नंबर सवाल से शुरू करेंगे फिर से, ठीक ना। इसके पहले 12 क्वेश्चन आपने 8वीं क्लास में देख लिया था, ये 9वीं क्लास है। चलिए देखिए साथियों, इसके बारे में हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बोर्ड मार्क्स रूल के बारे में एक एक अक्षर आपको बता दिए हैं। बी मतलब होता है ब्रेकट, ओ मतलब ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीपल, ए एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यानी अगर किसी क्वेश्चन में इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले ब्रेकट का सारा काम जहाँ करते हैं जो भी रहता है, ब्रेकट के बाद फिर ऑफ। आप मतलब जानते हो, जैसे यहाँ कहीं लिखा है 3/4 का 2+3 × 7 = 5 ऐसे, तो ये का को इंग्लिश में आप बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा जाएगा तो यहाँ आप होगा, तो पहले इसको करते हैं, लेकिन ये बहुत कम जगह मिलता है आपको। चलिए आगे दिखाते हैं कैसे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ब्रेकट दिया है और चिन्ह दिए हैं, आप वाला तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले ब्रेकट करेंगे। लेकिन एक बड़ा लफड़ा ये भी होता है, ब्रेकट में भी रूल होता है। देखो रूल के अंदर रूल, पहले तो आप ब्रेकट करेंगे, बोर्ड मास से सीखा आपने, लेकिन ब्रेकट में ये इसमें नियम होता है कि सबसे पहले कौन सा कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक, फिर आपका छोटा कोष्टक, और फिर मझला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक। ये चार प्रकार के कोष्टक आप देखते होंगे, अमूमन आपको तीन ही प्रकार के मिलते हैं, रेखा कोष्टक बहुत कम जगह मिलता होगा, है ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, वहाँ तक जो भी जैसे दिया है वैसे उतार लेंगे बिना कोई परिवर्तन के। ये बड़ा कोष्टक था हमने लगा लिया, 3 था, भाग का साइन था, मझला कोष्टक था, फिर 2 था, फिर माइनस। अब रुक जाना, यहाँ से छोटा कोष्टक शुरू है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो छोटा कोष्टक के अंदर 3 × 6/2 है, मतलब इसमें गुणा भी है भाग भी है। बोर्ड मास रूल कहता है पहले भाग करेंगे बाद में गुणा करेंगे ना, क्योंकि डिवीजन पहले होता है मल्टीपल बाद में होता है। तो पहले आप इसको भाग कर लो, जब आप इसको भाग करेंगे 2/6 में तो 3 आएगा, बोलो 3 आएगा ना, 2/6 में करोगे तो 3 आएगा, और इस तरह से आपका ये 3 × 3 बन जाएगा। चाहो तो आप इसको एक बार में लिख लो, फाइनल में यहाँ 9 आ गया, लेकिन आप कुछ लोग पूछेंगे भाई कैसे हो गया ये सब, तो चलिए हम एक लाइन और कर देंगे। ये देखो 3 हमने ऐसे लिख लिया, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया, इसको जितना हमने अंडरलाइन किया है उतना हल कर लिया, तो यहाँ पे देख रहे हो 3 आया है। वैसे ब्रेकट को बंद कर दीजिए तुरंत, ये पहली लाइन हो गई कंप्लीट। दूसरा लाइन में क्या करेंगे, अभी देखिए छोटा कोष्टक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपको समझाने के चक्कर में बड़ा कर दिया है ना, तो अब फिर वहाँ तक उतार लो, ऐसे उतार लिया 2 माइनस, अब 3 × 9 देखिए, फिर एक बार कोष्ठक लगा दिया। अब देखिए कोष्ठक में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 9 बचा अकेला, है ना। अब आप कोष्ठक को ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 2 − 9, चूँकि अकेला अंक बचा था तो कोष्ठक ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख रहे होंगे क्या बचा, ये 3, इसको भाग देंगे अंदर में, अगर आप ध्यान दें इसमें से घटाएंगे −7 आएगा। ये बोर्ड मास रूल का सीरियल एंड सीक्वेंस बहुत मायने रखता है, आपको ऐसे ही करना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना, ना अपने से कोई ज़्यादा दिमाग लगाना कि एक बार में सब कर लो,
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नियम के मुताबिक नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए ये माइनस सेवन अकेले बचा कोष्ठक में, ये कोष्ठक खुल जाएगा, माइनस का चिन्ह जो है अंदर में है, बाहर से क्या है भाग का चिन्ह है, तो आप सवाल मिला लीजिए, इसमें भाग का ही चिन्ह दिया हुआ है, देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का भी निशान दिया हुआ है ना। तो देखिए अभी आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर वैसे जो अगर किताब में दिया ही है तो उसी अनुसार हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर भाग का चिन्ह है फिर अंदर में माइनस है, तो इसे आप एक काम कर सकते हो, जैसे इसको देखने के पहले इधर देख लीजिए, जैसे कहीं पर लिखा है चार और ये भागे दो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार में दो से भाग करना है, मतलब इसे हम चार बटा दो लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से इसको हम अगली लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ ले जा करके इसे आप ब्रेकेट नहीं खोल सकते, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कोष्ठक भी लगा, माइनस भी लगा, भाग भी लगा है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये कोष्ठक नहीं खुलेगा। इसको आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, वो क्या है, ये माइनस थ्री अपान सेवन। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये माइनस ऊपर कैसे चला गया, कभी भी हर में माइनस लगा के नहीं लिखा जाता है, ये माइनस सेवन अगर आप करोगे नीचे वो ऊपर ही जाएगा, ठीक, तो हर ऋणात्मक नहीं हो सकता। इस तरह से इसका आंसर एक प्रकार से तो माइनस सेवन अपान क्या आ गया, वो माइनस थ्री अपान सेवन आ गया, बुक में अपने मिला लेना, अगर यहाँ प्लस दिया है तो आसानी से आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस चार आ जाएगा, लेकिन अगर ये भाग दिया है तो माइनस थ्री अपान सेवन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब अगला सवाल करेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, लेकिन जो लोग स्क्रीनशॉट लेंगे थोड़ा रुक जाएंगे, इसको हमने अलग से समझाया था, इसको मिटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको आप कर सकते हैं, कर लिए, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान देना इसको भी, पूरा तो क्वेश्चन देखना। देखिए इसमें भी बोर्ड मास रूल से चलेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्ठक करेंगे, तो छोटा कोष्ठक तक वैसे उतार लेंगे जो भी लिखा है, 23 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस, अब ध्यान देना कोष्ठक के अंदर दो चीज़ें हैं, गुणा भी है भाग भी है, तो पहले आप क्या करोगे, भाग करोगे, जब आप 8 में 4 से भाग करोगे तो 2 आएगा, सभी को पता है, और 6 और गुणे जो है इसको ऐसे लिख लो, भाग करने पे 2 आएगा, 2 लिख दिया, ये हो गया पहला काम, बात समझ में आई ना, देखो इतना छोटा हो गया, इतना था। अगली लाइन में चलो, फिर वहीं तक चलेंगे, 23 धन 6 डिवाइड बाई 2 प्लस, इसका मल्टीपल करोगे तो ये 12 हो गया। अब देखिए अकेले आ गया ना 12, अब क्या करेंगे, कोष्ठक को खोल देंगे, अलग कर लेंगे, इस तरह से आप इसे कर सकते हो, 23 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 12, और ये इतना हो गया, ठीक। अब देखिए आपके सामने जो है इसमें प्लस भी है, भाग का चिन्ह भी है, सबसे पहले आप जानते हो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पहले भाग करते हैं फिर जोड़ते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 23 प्लस इसको जब भाग करोगे तो 3 आएगा और प्लस ये 12, इस तरह से आप कर सकते हो, 23 3 26 हो जाएगा, और 26 में अगर आप 12 जोड़ोगे, वैसे भी आप अलग अलग भी करके जोड़ सकते हो, ये 12 3 15 यानी कि यहाँ पे आप कुल मिला के लिख सकते हो एक एक लाइन में, 23 धन 15 और लास्ट में 5 3 8 2 1 3 38 आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए, ये बोर्ड मास रूल पर आधारित सवाल हैं, जल्दी जल्दी से नोट करिए फटाफट, खूब सारे अभ्यास प्रश्न कर डालिए, ठीक ना, हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो और टाइम भी बचे, तो जब हम मिटा दें तो टेंशन मत करें बिल्कुल किसी प्रकार का, वीडियो को पीछे करके लिखें। और अगर आप सभी क्लास को बिल्कुल मुफ्त में देखना चाहते हैं तो फेसबुक चलाते होंगे, वहाँ पर PBR स्टडी लिख करके सर्च करें और फेसबुक पर लाइक करके फॉलो कर लें, बहुत सारी क्लास मिलेगी जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती है। और हमारे अन्य YouTube चैनल PBR स्टडी ग्रुप, मैथ आसान है, इजी डेरिवेशन, इन सभी को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, बहुत सारी क्लास आपको ऐसे मिलेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना, 15 प्लस, नोट करो जल्दी से 15 नंबर,
सिक्स प्लस फाइव माइनस सेवन, सिक्स प्लस फाइव माइनस सेवन, कॉपी में लिखिए तुरंत, इंटू थ्री डिवाइड बाई सेवन, इंटू थ्री डिवाइड बाई सेवन, और भी कुछ है? बस इतना ही है, इसको हल करना है, ये तो बहुत ही आसान है। चलो ठीक है, ये लो पहले भाग करते हैं, आप सभी को मालूम है ना, पहले भाग करते हैं। अगर आप इसको भाग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या मालूम है? देखिए तीन में क्या करना है, सात से भाग करना है, तो तीन में सात से भाग कैसे करोगे? अब ऐसे तो है नहीं कि तीन में सात से भाग करोगे दो आ जाएगा तीन आ जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, छः धन पाँच माइनस सात, और गुणा का चिन्ह होगा, तीन में सात का भाग करने का मतलब ये हुआ, बात समझ में आई? यानी कि तीन में सात से भाग कर रहे हैं। दूसरी लाइन में करते हैं गुणा, है ना, गुणा करते हैं ना, मतलब इसको जब आप क्या करोगे, गुणा करोगे, इसको आप काट सकते हो सात से सात, तो ये हो जाएगा छः प्लस पाँच माइनस, ये कट गया, लास्ट में क्या बचा, तीन। अब जोड़ लोगे, छः पाँच ग्यारह माइनस तीन, कोष्टक लगाते जाओ, लास्ट में आठ आ जाएगा, कितना आएगा, एट आ जाएगा, बात समझ में आई ना? बिल्कुल आप काट सकते हो, ये मत सोचना इसके पहले माइनस लगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आखिर अगर इसको गुणा कर लोगे तो सात त्रिक इक्कीस हो जाएगा ना, इक्कीस बटा सात, तब तो काट सकते हो, बात समझ में आई ना? आपस में आप भिन्न को सरल कर सकते हो, अगल बगल कुछ भी लगाओ उससे कोई मतलब नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल भूला मत करिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखना, देखिए खूब सारे सवाल आप लोग कर लीजिए जिससे कि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। आप कुछ क्वेश्चंस आप लिख लो, घर से भी कर लेना, यहाँ तो हम करवा ही रहे हैं। 16 नंबर लिखिए, 4 प्लस 5 माइनस 6 कोष्टक के अंदर रहेगा, क्या है 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6 है कि 7 है यार, 6 है, फिर प्लस 7 प्लस 8 इंटू टू, 7 प्लस 8 इंटू टू, इसको आपको क्या करना है, हल करना है, तरीका वही लगाना है जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। चलिए सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, वहाँ तक हम ऐसे उतार लेंगे जो भी लिखा है 4 प्लस, और कोष्टक ऐसे लगा लेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 प्लस, क्या करेंगे, गुणा कर लो 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 7 धन 16, ठीक, बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस, 16 में 7 जोड़ोगे कितना होगा, आप जानते हो 16 4 20 3 23, ये हो जाएगा 23, है ना। अब क्या करोगे, ये 4 प्लस, देखो यहाँ पर माइनस भी है और प्लस भी है, तो प्लस प्लस जुड़ेगा, पहले बोर्ड मास रूल से चलेंगे, तो 23 5 हो जाएगा 28 माइनस 6, और फिर अगला लाइन में चलो, ये 4 प्लस 28 में से 6 घटाओगे 22 आएगा, है ना, कितना आएगा 22, 22 4 हो जाएगा 26, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, बात समझ में आई ना। नोट कर लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी। 16 नंबर हो गया, 17 18 19 20 जल्दी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, और हाँ जो आपको बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना, तभी मज़ा आएगा, बिल्कुल टेंशन मत करना, बस लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 डिवाइड बाई 2 प्लस, 17 नंबर है, 4 डिवाइड बाई 2, और फिर क्या है प्लस। अब आप इस क्वेश्चन को भी कर ले जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, देखो टाइम बचाना का हमारा प्रयास होता है, पहले आप वहाँ तक पूरा लिख लोगे जैसे भी लिखा है, आप जानते हो सबसे पहले छोटा कोष्टक करते हैं, ये हो जाएगा 8,
छोटा कोष्टक, इसको जब आप भाग करोगे, दो से भाग करोगे आठ में, तो चार आएगा, और इनटू ये हो जाएगा चार। इस तरह से आपका ये इतना पूरा हो गया। ध्यान देना, ये मझला कोष्टक है, इसको आप ऐसे करोगे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, फोर डिवाइड बाई टू, और ये कोष्टक बंद, थ्री प्लस एट, फोर का फोर में मल्टीपल कर लो, क्या हो जाएगा ये सिक्सटीन, यानी चार चौका सोलह। अगला लाइन में चले जाओगे तो ये हो जाएगा फोर, और ये डिवाइड बाई टू, मतलब भाग का चिन्ह है, ऐसे है, प्लस थ्री इंटू, देखो यहाँ पर प्लस है, फिर एट है, और ये देखो कुछ नहीं ब्रेकर बीच में ना, बीच में कुछ नहीं, तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। सोलह अट्ठे कितना होगा जानते हो, सोलह पंचे अस्सी, सोलह छक्का छियानवे, सोलह सत्ते एक सौ बारह, सोलह अट्ठे एक सौ अट्ठाईस होता है ना, आठ छः अड़तालीस के आठ, हाँ फिर चार अट्ठे कम आठ चार बारह, हमने क्या किया इसका गुणा कर लिया, एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर दिया। अब क्या करोगे, अब ये हो जाएगा फोर डिवाइड बाई टू, कोष्ठक जो है ऐसे ही बंद रहेगा, 128 में तीन जोड़ोगे 131 हो जाएगा, और फिर क्या, फाइनल में वही आ जाएगा जो आना चाहिए। इसको आप क्या करोगे, इसको आप गुणा कर लोगे दो से, जब आप दो से गुणा करोगे तो यह क्या बनेगा, ये बन जाएगा चार भागे दो एक कम दो, दो छंग दो तिहाई छः, दो एक कम दो, 262 आ जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, ये फाइनल में आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, चार बटा 262, दो से काटेंगे, दो दूना चार, दो एक कम दो, दो तिहाई छः, दो एक कम दो, दो बटा 131 आएगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा तुरंत। और हाँ, फेसबुक पर अवश्य लाइक और फॉलो करिएगा जिससे हर दिन देख सकें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन रखिएगा जिससे भूलें ना आपको। इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं, जल्दी से नोट करके रखिए तुरंत फट से, हो गया ना, आपके बहुत ही काम के हैं ये, याद रखना, नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ है। देखो पाँच क्वेश्चन हैं, दो तीन चार पाँच, इनको लिख के रखिए, करके लेके आइएगा, होमवर्क है ज़रूर करिएगा, व्हाट्सएप पर हल करके भेजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, टच करिए स्क्रीन पर, रुक जाएगा, हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए साथियों, जिनका बेसिक मजबूत नहीं है, जिनको क्लास ज्वाइन करना है, पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, वो कृपया क्लास को ज्वाइन कर लें, प्लीज़ क्लास को ज्वाइन कर लें जिससे आपको पूरा मिल सके। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर 9793488448 पर ज्वाइन DLED लिख कर भेजना होगा, और 549 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप व्हाट्सएप पे सारी क्लास चाहते हैं तो मात्र 549 पे करके ज्वाइन कर लें, अन्यथा यूट्यूब पर पूरी क्लास नहीं मिलेगी, फिर आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो घर बैठे सारी क्लास कर पाएंगे। ये पेमेंट आप फ़ोनपे, ये फ़ोनपे का भी नंबर है, गूगल पे, ये भी गूगल पे का भी नंबर है ये, या फिर ATM, बैंक से, साइबर कैफ़े, किसी भी तरह से कर सकते हो। इस नंबर पर संपर्क करना, सारा तरीका बताया जाएगा, इस पर अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको सारी प्रक्रिया वहाँ समझा दी जाएगी। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, जय हिंद इन बातों के साथ में, और 8 बजे से अगली क्लास देखना ना भूलना लाइव, उसमें आपके सभी के नाम बोलेंगे हम 8 बजे वाली में, इसमें आपने देखा होगा आपका नाम नहीं बोला जा रहा ना जी, पिंटू चिंटू, थैंक यू।